आज हम दुनिया के एक और महान व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। वह कोई और नहीं बल्कि लेडी एडा लवलेस हैं। उनका मूल नाम ऑगस्टा एडा बायरन था। उनका जन्म 10 दिसंबर 1815 को लंदन में हुआ था। जब वह सिर्फ 2 महीने की थी, तभी उसके पिता उसकी माँ से अलग हो गए। उनके पिता लॉर्ड बायरन एक प्रसिद्ध कवि थे। अलग होने के बाद आडा को निजी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर्स द्वारा शिक्षित किया गया और बाद में खुद से घर पर ही पढ़ाई की। आगे चलकर उन्हें गणितज्ञ और तर्कशास्त्री ऑगस्ट डी मॉर्गन ने उनके हायर एजुकेशन में मदद की। डी मॉर्गन लंदन विश्वविद्यालय में गणित के पहले प्रोफेसर थे। वह अत्यधिक बौद्धिक व्यक्ति थी। वह साधु स्वभाव की, शांत स्वभाव और तकनीकी विचारों की महिला थी। 8 जुलाई 1835 को उन्होंने विलियम किंग 8वें से शादी की और जब उन्हें 1838 में एक राजा बनाया गया तो वे उस लवलेस राजा की बेगम बन गए। इसलिए उन्हें लेडी एडा लवलेस के नाम से जाना जाता था। आइए हम चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा चर्चा करें, क्योंकि लेडी एडा लवलेस इस व्यक्ति से अत्यधिक संबंधित है। बेबेज ने 1833 में पहला भाप से चलने वाला कंप्यूटर बनाया, जिसे एनालिटिकल इंजन कहा जाता था। माना जाता है कि कई लोग चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक और उनकी सहायक लेडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बेबेज की मशीनों के लिए गणित की समस्याओं का समाधान किया था। 1833 में एक इटालियन गणितज्ञ और इंजीनियर लुइगी फेडेरिको द्वारा चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित एनालिटिकल मशीन पर एक लेख प्रकाशित किया गया था। लेडी एडा ने इसे पढ़ा, समझा और मशीन के कार्य सिद्धांत का विश्लेषण किया। बाद में उन्होंने पिछले लेख की तुलना में 3 गुना अधिक अंग्रेजी में एक और लेख लिखा। उन्हें एनालिटिकल मशीन में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मशीन को मैन्युअल रूप से संचालित करने के बजाय ऑटोमेटिक रूप से काम करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। 16 साल की उम्र में वह पहले आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज के संपर्क में आई और उनके साथ एनालिटिकल इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। एनालिटिकल इंजन पहला आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आज का डिजिटल कंप्यूटर उसी एनालिटिकल इंजन पर आधारित है। आडा ने पानी के नल की अवधारणा का इस्तेमाल किया, जिसे खोला या बंद किया जा सकता था। यदि वाल्व खोला जाता है तो पानी बहता है, लेकिन यदि वाल्व बंद हो जाता है तो पानी रुक जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए एक छेद को बंद या खोल के कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक जैकवार्ड लू मशीन का उपयोग किया। ओपन को उन्होंने ऑन माना और क्लोज को ऑफ। बाद में इस ऑन को 1 और ऑफ को 0 के रूप में दर्शाया गया, इसलिए 1 और 0 मशीनी भाषा बन गए। इसका उपयोग करके वह बर्नौली संख्याओं की गणना कर सकती थी। 0 और 1 के समुच्चय को बाइनरी नंबर कहते हैं। उन्होंने बाइनरी नंबर का उपयोग करके पहला कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया, इसलिए इसे मशीनी भाषा कहा जाता है। इसलिए एडा को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। एनालिटिकल इंजन को संचालित करने के लिए वह मशीनी भाषा का उपयोग करती थी। बाद में जॉर्ज बूल ने इस बाइनरी नंबर के आधार पर एक बीजगणित विकसित किया, जिसे बूलियन बीजगणित कहा जाता है। 1954 में उन्होंने कई लॉजिकल समस्याओं को हल करने के लिए बूलियन बीजगणित के इस उपयोग को बताते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की। आज के दिन यह मोटे तौर पर कंप्यूटर सर्किट को डिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के केवल एक छोटे से हिस्से का निर्माण किया, लेकिन लवलेस के प्रयासों को बहुत याद किया गया है। प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषा एडा का नाम उनके नाम पर रखा गया था। अक्टूबर में दूसरे मंगलवार को एडा लवलेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
27 नवंबर 1852 को लंदन के मैरीलेबोन में महज 37 साल की कम उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें कंप्यूटर की दुनिया भुला नहीं सकती, क्योंकि उसके बिना आईफोन जैसे आधुनिक गैजेट्स का होना संभव नहीं था, क्योंकि ये सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सॉफ्टवेयर पर काम करती हैं, और एक सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं बल्कि प्रोग्रामों का एक बंडल है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो लाइक बटन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल को बेहतर बनाने के लिए किसी भी टिप्पणी का स्वागत है। धन्यवाद।